आई थिंक ऑब्वियस इस तरह के शोज़ पहले भी बन चुके हैं और मुझे लगता है ऐसे शोज़ हमेशा बनते रहने चाहिए, बिकॉज़ हमेशा जो नेक्स्ट जनरेशन जो होगी, अगर आपको उन्हें ये स्टोरी बतानी है तो आपको इस तरह के शोज़ बार बार बनाते रहना पड़ेगा, बिकॉज जो पुराने शोज़ जो आके जा चुके हैं वो लोग अब देखेंगे नहीं। तो मुझे लगता है इस तरह की हमारी भी आई थिंक ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी हद तक, किस तरह के शोज़ बनते रहे ताकि जो बच्चे अभी जो हैं वो शो को देखें और कुछ ना कुछ सीख सकें। आई थिंक मैं इससे पहले जब कृष्ण जी का रोल एक बार कर चुका हूँ द्वारकाधीश में, तो मेरी प्रैक्टिस आई थिंक काफ़ी अच्छी उसमें वहाँ हो गई थी, क्योंकि एक साल तक वो शो मैंने किया था। और इस तरह के शोज आई थिंक वैसे भी एक्टर्स को करते रहने चाहिए, बिकॉज आपकी हिंदी पे काफ़ी काम होता है और आपका डिक्शन वगैरह काफ़ी इम्प्रूव होता है। मैं हार्डकोर पंजाबी हूँ, तो मेरे लिए मैं कभी हरियाणवी कैरेक्टर करता हूँ या बिहारी कैरेक्टर करता हूँ या इस तरह के रोल्स करता हूँ, तो आई थिंक एज एन एक्टर वो काफ़ी बड़ी ब्लेसिंग है।